Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing integration and this is a video lecture number 18. I hope you have already watched part 1 to part 18, but word to part 17 before watching this part 18. Hum log baat kar rahe hain indefinite integration ki. Usme humne baat kiya tha integration by parts ki, uske pehle method of substitution ki. Kuch aur type ke integration ki baat karte hain jo special integral hai. स्पेशल इंटीग्रल में कुछ और चीजों को शामिल करते हैं. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस स्पेशल इंटीग्रल टुडे एंड इन दैट व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज स्पेशल इंटीग्रल. इन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द थ्री डिफरेंट फॉर्मूला एंड दीज आर वेरी यूजफुल. वी हैव टू लर्न दिस, वी हैव टू यूटिलाइज दिस, वी हैव टू प्रूव दिस. So, पहला होता है ये अंडर रूट ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स. ये तीन फॉर्मूला है. अब इस तीन फॉर्मूले की वैल्यू क्या होगी, इसका आंसर क्या होगा और इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ये जानने की जरूरत है. तो सबसे पहले इसको याद रखने का ट्रिक क्या होता है. हमने इसको याद रखने के लिए पीछे लेक्चर्स में ये डिस्कस किया था कि ये चीज जब डिनोमिनेटर में हो तो क्या होता है इंटीग्रेशन, और उस समय हमने डिस्कस किया था कि अगर ये डिनोमिनेटर में हो तो इसका यहाँ पे लिख देता हूँ. अगर ये डिनोमिनेटर में हो यानी dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो इसको हम लिख देते हैं साइन इनवर्स x प्लस सी. अगर ये dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो हम लिखते हैं log ऑफ x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अगर ये नीचे x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तब भी हम ये लिखते हैं क्या कि log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, राइट. तो ये तीन फॉर्मूले हमने सीख रखे हैं कि ये डिनोमिनेटर में होता है तो ऐसा इसका आंसर होता है. नाउ यहाँ पे बात ये है कि अगर ये डिनोमिनेटर में ना हो, ये नोमिनेटर में हो तब क्या करेंगे. अगर ये नोमिनेटर में हो तो इसका आंसर क्या होना चाहिए. तो इसको याद करने का तरीका यह है कि x बाई टू जो फंक्शन है वही लिख दो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है. x बाई टू जो फंक्शन है वही लिख दे, अदरवाइज इसमें कंफ्यूजन रहती है. इसको याद करने में जनरली बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, इसलिए इसको याद रखने का तरीका यह है कि x बाई टू जो फंक्शन है वो चुपचाप लिख दो प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ठीक है. यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, यानी ये अगर ये फॉर्मूला लिखना हो तब भी हमें ये लिखना होगा कि x by 2 जो है सो लिख दो x square minus a square. अगर ये फॉर्मूला हमें लिखना है मान लीजिए तो हम इसके बारे में भी यही बात लिखेंगे कि x by 2 जो है वो लिख दो a square plus x square, लिख दिया. अगर a square पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है तो a square by 2, यहाँ पे निगेटिव है तो माइनस ए स्क्वायर बाई टू, यानी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव टर्म लिखें, निगेटिव है तो निगेटिव टर्म लिखें. यानी यहाँ पे हमें लिखना है माइनस में है तो माइनस ए स्क्वायर बाई टू. अब अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो इसका क्या इंटीग्रेशन होता था, यही चीज देखिए. एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर डिनोमिनेटर में होता तो इसका इंटीग्रेशन होता लॉग ऑफ एक्स प्लस जो है वही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी. अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो ऐसा होता. इसी तरह से अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो क्या होता, ये डिनोमिनेटर में होता यहाँ पे है तो साइन इनवर्स एक्स बाई सी, तो साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, यहाँ पे भी ए होगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, तो ऐसा लिख देंगे. और यहाँ पे अगर होता तो क्या लिखते, लॉग ऑफ, ये अगर डिनोमिनेटर में होता तो लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी.
इसका मतलब है कि याद रखने के लिए आपको क्या करना है, याद रखने के लिए इस फंक्शन को आपको ये दिमाग रखना है कि ये कैसे हमें करना है। तो ये करने के लिए, सॉरी ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो रही है, ये अगर होगा तो तीनों टाइप को याद करने का क्या तरीका है, एक बार दोबारा मैं दोहराना चाहूंगा आपके लिए। क्या करना है, x बाई टू जो फंक्शन है वो चुपचाप लिख देना है, x बाई टू जो फंक्शन है वो लिख देते हैं, x बाई टू जो फंक्शन है वो लिख दिए, प्लस ए स्क्वायर बाई टू अगर ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो, अगर ए स्क्वायर निगेटिव है तो माइनस ए स्क्वायर बाई टू, एंड अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो इसका क्या इंटीग्रेशन होता, ये डिनोमिनेटर में होता तो इसका ये इंटीग्रेशन होता है ना, ये डिनोमिनेटर में अगर होता तो इसका ये इंटीग्रेशन होता, जैसे कि यहाँ सामने दिख रहा है, अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो इसका ये इंटीग्रेशन होता, ये डिनोमिनेटर में होता तो इसका ये इंटीग्रेशन होता। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे से हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और अभी तक हमने इसको यूज नहीं किया है। पहले ये देखते हैं कि ये होता कैसे, सबसे पहले इसकी प्रूफ देखते हैं। पहला कि dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का प्रूफ क्या है, तो हमने पहले आपको बता दूं, याद करा दूं, बताना क्या है याद करा दूं, पहले बताया हुआ है कि अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कहीं हो रूट में, तो रूट से बाहर निकालने का सबसे आसान तरीका है या सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, अगर ये होता है तो क्या करते हैं, ये होता है तो हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, अगर ऐसा होता कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम क्या सब्स्टिट्यूशन पुट करते हैं, तब हम सब्स्टिट्यूशन पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा, बार बार दोहरा रहा हूं। और अगर कहीं सब्स्टिट्यूशन ऐसा हो कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, तब क्या सब्स्टिट्यूशन पुट करते हैं, याद है आपको, जरूर याद होगा, एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, राइट। तो इस तरीके से हम इसको सब्स्टिट्यूशन को पुट करते हैं, यहां पर भी यही करेंगे, कुछ और नया नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या पुट करना है, पुट करना है पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन हो गया ए कॉस थीटा डी थीटा। अब हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया बताइए, डी एक्स के बदले लिख देंगे ए कॉस थीटा डी थीटा, ए कॉस थीटा डी थीटा, एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक्स को हमें क्या पुट करना है, ए साइन थीटा, और एक्स क्या है, ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हमने यहाँ लिख दिया। अब इससे क्या होगा, ये होगा कि ऊपर में हो जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा, नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वो भी बाहर आके ए हो जाएगा, अंदर में बच जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो भी बाहर आके रूट के बाहर आके कॉस थीटा, यानी यहाँ कॉस से कॉस और ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और अगर ये कैंसिल हो गया तो क्या होगा, इंटीग्रल क्या बच जाएगा, इंटीग्रल डी थीटा, अगर ये कैंसिल हो गया तो बच गया डी थीटा। ठीक है, इंटीग्रल ये कैंसिल हो गया, मान लीजिए यहां से काट देता हूं तो डी थीटा बच गया, इंटीग्रल डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, थीटा प्लस सी, और थीटा क्या होगा, अब यहां से देखते हैं कि थीटा होगा क्या, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट किया है तो एक्स बाई ए इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, है ना, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इधर आएगा तो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। सो हम यहां पर थीटा के बदले क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये इसका प्रूफ था, और ये अब आपका एक रिजल्ट तैयार हो गया कि डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कहीं हो तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, और ये फॉर्मूला आपको याद रखनी चाहिए, है ना। ठीक है, तो अगला देखते हैं, दूसरा जो था हमारा वो क्या था, दूसरा जो था वो था कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। जैसा कि सब्स्टिट्यूशन हमने पहले कहा है, क्या पुट करना था हमें, एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा, तो पुट कर दिया एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा, तो डीएक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा। ओके, नाउ टैन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा। अब इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इंटीग्रेशन जो होगा उसको लिख देंगे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, और डीएक्स के बदले क्या लिखूं बच्चों, डीएक्स के बदले लिख दूं ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ये क्या हो जाएगा। अब ये अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ए स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या मिल जाएगा अंदर में, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये मिल जाएगा ए स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो कि होता है सेक स्क्वायर थीटा। सो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा कि ए बाहर आ जाएगा, एक यहां से ए है, दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे ए स्क्वायर, और यहां से सेक स्क्वायर थीटा बाहर आके सेक थीटा होगा, ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, जैसा कि हमने पहले किया था इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट से। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट से दोबारा करें क्या, चलिए दोबारा कर लेते हैं, इसको सेकेंड इसको फर्स्ट मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, अब सेक क्यू थीटा है, इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट करोगे तो क्या मिलेगा, तो सेक क्यू थीटा का इंटीग्रेशन बाई पार्ट हमने किया था, दोबारा यहाँ कर देता हूँ और इसको लिखते हैं, यूज करते हैं कि सेक क्यू थीटा हो तो क्या होगा, सेक क्यू थीटा का इंटीग्रेशन बाई पार्ट किया था, इंटीग्रेशन क्या था, इसको लिख दिया था सेक क्यू थीटा को क्या लिख देंगे, सेक क्यू थीटा को लिख देंगे सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और फिर इसको हमने क्या किया, फर्स्ट और इसको सेकेंड मान लिया था, फिर लिखा था फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेक थीटा टेन थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड दैट इज टेन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो क्या आया था ध्यान से देखिए, सेक थीटा टेन थीटा, और यहां से आया था सेक थीटा इंटू टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो ये हो गया था सेक थीटा टेन थीटा माइनस सेक थी क्यू थीटा, राइट, सेक क्यू थीटा डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। तो ये आई इधर था, इसको भी दोबारा हमने आई एज्यूम कर लिया था, याद आ रहा है आपको, राइट, ये भी आई के बराबर है क्योंकि सेक क्यू थीटा हो गया, तो आई प्लस आई टू आई, और जब आई निकालेंगे तो ये हो जाता था हाफ सेक थीटा टेन थीटा प्लस सेक थीटा का इंटीग्रेशन लॉग सेक थीटा टेन थीटा, राइट, और प्लस सी। तो ये जो है ये रिजल्ट आया था, तो यहां पर फिर यही चीज लिख देंगे, क्या लिख देंगे, डायरेक्ट इस्तेमाल कर लूं, ए स्क्वायर सेक क्यू थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा हाफ, हाफ का मतलब ये हो गया हाफ इंटू क्या हो जाएगा, देखिए सेक थीटा टेन थीटा प्लस लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब इसमें ए स्क्वायर बाई टू है ऑलरेडी, राइट, तो हम क्या पुट कर लेंगे, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टू इसको हमने लिख दिया ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टू सेक थीटा प्लस टेन सेक थीटा टेन थीटा, हमने एक्स इज इक्वल टू क्या पुट किया है, ए टेन थीटा, तो टैन थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई ए, तो इस टैन थीटा के बदले लिख सकते हैं एक्स बाई ए, और इस सेक स्क्वायर थीटा के बदले टैन स्क्वायर थीटा माइनस वन ये लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लॉग सेक थीटा के बदले एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वन, और इसके बदले एक्स बाई ए प्लस सी, तो ये क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, ये आ जाएगा हमारा पूरा ए स्क्वायर बाई टू, और ये हो जाएगा क्या, एक्स बाई ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और रूट के अंदर ए स्क्वायर आएगा, जो रूट के बाहर आके हो जाएगा, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, यहां भी आ जाएगा बाहर आके, और ये x बाई ए हो जाएगा,
और ये पूरा प्लस सी। अब ए स्क्वायर बाई टू से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा एक्स बाई टू ए स्क्वायर, ये और ये दो ए स्क्वायर कट जाएंगे, ये हो जाएगा कैंसिल होने के बाद ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे मिल गया ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई ए है जो बाहर आके माइनस लॉगे होगा, वो माइनस लॉगे क्या होगा, कॉन्स्टेंट। और हमने आपको सिखा रखा है कि दो कॉन्स्टेंट लिखना अच्छा नहीं लगता, इसलिए रिजल्ट हो गया हमारा और ये हो गया प्रूफ। मतलब क्या सीखा हमने, हमने ये सीखा कि अगर ऐसा हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रल डीएक्स है ना, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर इंटीग्रल डीएक्स हो तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे, कैसे, एक्स बाई टू जो है वही लिख दो, देखो वहीं पे लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये माइनस में है, अगर माइनस में है तो माइनस साइन लिखना था, यहाँ पे कहीं गड़बड़ हो रही है। ये सॉरी एक्स इज इक्वल टू क्या था, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हम प्रूफ कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अच्छा तो एक्स इज इक्वल टू, तो सेक थीटा को लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी, तो यहाँ पे क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा को टेन में लिखना है, हम टेन को सेक में लिख रखे थे, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा के बदले वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, ठीक है, तो ये होगा प्लस, ये भी होगा प्लस, ये होगा प्लस, और ये भी होगा प्लस, ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारा प्लस, यानी जो है प्लस वाला लिख रहे थे, माइनस वाला नहीं, तो ये एक्स बाई टू जो है वो लिख देना है प्लस ए स्क्वायर बाई टू। अगर ये नीचे होता डिनोमिनेटर में होता ये इंटीग्रैंड, तो इसका क्या इंटीग्रेशन होता, यानी एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब तीसरा जो क्वेश्चन है इसका तीसरा पार्ट उस पे बात करते हैं, तीसरा पार्ट इसी तरह का एक और था जिसपे हम चर्चा करते हैं, अगली स्लाइड लेते हैं, ठीक है। क्या था तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन था कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन पुट करने की बात कही थी मैंने, ध्यान है आपको, इसमें हमने कहा था कि सब्स्टिट्यूशन पुट करो, पुट एक्स इज इक्वल टू क्या, एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, यानी डीएक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, राइट। सो व्हाट विल हैपन, ये अगर dx इज इक्वल टू a sec थीटा tan थीटा d थीटा हो गया तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रैंड हो जाएगा हमारा ये x के बदले a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर, और dx के बदले हमें लिखना है क्या, इस dx के बदले a sec थीटा tan थीटा d थीटा, तो ये मिल जाएगा आपका, यहां से a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये भी बाहर आके हो जाएगा, और sec स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या हो जाएगा, tan थीटा, यहां से एक ए है ऑलरेडी तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ एक टेन और है तो ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा सेक थीटा डी थीटा। अगेन हम लिख सकते हैं उसी तरह से, ए स्क्वायर बाहर हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इंटू सेक थीटा डी थीटा, फिर हो जाएगा ये ए स्क्वायर सेक क्यू थीटा डी थीटा माइनस ए स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा, ठीक है। तो अभी हमने इसका इस्तेमाल किया था, sec q थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं बताएं, sec q थीटा के बदले हम लिख सकते हैं, sec q थीटा की वैल्यू आई थी हमारी कितनी, तो 1 by 2 log sec थीटा tan थीटा by 2, ये आया था sec थीटा tan थीटा, और यहां पे आया था प्लस sec थीटा tan थीटा प्लस हाफ log, यही हाफ तो पहले ही बार लिख रखा है, हाफ log ऑफ हाफ बार लिख रखा है, एक मिनट इसको हाफ यहाँ नहीं लिखते, अभी बाद में लिख देंगे, ये ब्रैकेट थोड़ा बड़ा दे देता हूँ, राइट ओके, तो ये हो जाएगा log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा हाफ
आपके साथ। ये था पूरा हमारा कहानी, और ये हो गया ए स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। अब यहां पे देखिए कि इससे क्या मिल रहा था, सेक क्यू थीटा को जब हम दोबारा करते हैं यहाँ पे, तो इसमें भी एक सेक क्यू थीटा तो मिलता है ना, आपको ध्यान होगा कि सेक क्यू थीटा एक सेक थीटा इंटीग्रेशन मिलता है जिसकी यही होती है लॉग सेक थीटा टेन थीटा। यानी इसमें आया था हमारा सेक थीटा टेन थीटा। अगर आप यहाँ देखें, इस स्लाइड को दिखा दूंगा आपको थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए, देखिए ये जो स्लाइड था यहाँ पे ये आया था, देखिए सेक थीटा टेन थीटा हाफ करें तो, और ये इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा टेन थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। ध्यान से देखिए यही है ना, सेक थीटा टेन थीटा। So what is that कि यहाँ पे ये sec theta integration में आया था, वहां पे भी sec theta है, तो sec theta यहाँ plus में आता है। यानी हम इसको i निकालें तो ये क्या लिख देंगे कि half of sec theta tan theta plus half of sec theta integration d theta। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, और अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत हो रही है तो दो बार लिखने में भी कोई परेशानी नहीं है, क्या होगा कैंसिल हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा। तो हम ये लिखते हैं यहाँ पे, तो ये क्या था, इसके बदले हम खाली यही लिख देते कि ये क्या था, तो हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा, ये होता इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। लेट मी राइट, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। तो ये ए स्क्वायर बाई टू यहाँ पे भी है ना, और यहाँ पे ये हाफ मिलता और यहाँ पे ये पूरा मिलता, तो क्या मिल जाता। अब इसको हम थोड़ा पूरा लिखते हैं, ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू, और ये मिलता इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा टेन थीटा, सेक थीटा टेन थीटा, और फिर क्या मिलता, ए स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। तो अभी क्या हो जाता, ये अगर आप लिखते तो ये स्क्वायर बाई टू से मल्टीप्लाई हो चुका है, इसलिए ब्रैकेट देने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आधे में से पूरा निकालते, ए स्क्वायर बाई टू माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर बाई टू बच जाएगा, ए स्क्वायर बाई टू सेक थीटा टेन थीटा माइनस ए स्क्वायर बाई टू और इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं सेक थीटा टेन थीटा ए स्क्वायर बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, प्लस सी। अब हम वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि हमने जूम किया हुआ है कि क्या जूम किया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, तो सेक थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई ए, और टेन थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है ना, होता है नहीं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है, इसको आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अंडर रूट में, यानी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई ए हो जाएगा। तो हम ये चीज डायरेक्ट यहाँ रखना चाहेंगे, तो ए स्क्वायर बाई टू सेक थीटा के बदले एक्स बाई ए, और टेन थीटा के बदले अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए, और यहाँ पे ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ सेक थीटा के बदले एक्स बाई ए प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए, है ना, तो ये हो गया प्लस सी। सो ऐसा करने से क्या होगा, ये देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर यहाँ कट जाएगा और यहाँ बच जाएगा एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ मिल जाएगा ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और इसमें जो डिवाइड बाई ए होगा वो माइनस लॉग ए हो जाएगा, जो सी के साथ मिलकर के एक ही कॉन्स्टेंट रह जाएगा, ये बात हम कई बार बता चुके हैं, सो दोबारा दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, आप इतने समझदार जरूर हैं, आप इसको लिख सकते हैं। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट फाइनली हमारा क्या आया, रिजल्ट आ गया हमारा ये पूरा कि अगर ऐसा कोई है इंटीग्रेशन जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स है, तो हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स बाई टू जो है वो लिख दो,
ए स्क्वायर निगेटिव है तो माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना? तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं, इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तीनों के डेरिवेशन हो गए। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो जैसे मान लीजिए लिखा है अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है डीएक्स। तो हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करें? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको वही करना पड़ेगा कि इस तरह का क्वेश्चन अगर है या कोई और भी क्वेश्चन है कि जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पैटर्न लगेगा, या कई बार ऐसा होगा कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसमें यही फॉर्मूला लगाना होगा, लाइक दिस। कैसा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। अब कैसे ए स्क्वायर करोगे? फोर को आप क्या लिख दोगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं आई इज इक्वल टू, ये हो गया फोर्थ। आई इज इक्वल टू क्या? अंडर रूट टू का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डीएक्स। अब बार बार आपको सब्स्टिट्यूट करके प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। कैसे लिखेंगे फॉर्मूला? एक्स बाई टू जो है वो लिख दो, जो है वो मतलब फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू। ए स्क्वायर क्या है? फोर बाई टू। और अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो इसका क्या इंटीग्रेशन होता? साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ए की जगह पे टू है, तो ये आंसर आ जाता एक्स बाई टू अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू साइन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस सी। और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। यानी आपको ये देखना है कि जो ऊपर के फॉर्म है ये सब ध्यान रहे कब लगाना है? ये सब तब लगाना है जब ये चीज न्यूमरेटर में रहे। अगर ये डिनोमिनेटर में रहे तो हम ऐसा नहीं करेंगे, तब करेंगे ऐसा, लेकिन फॉर्मूला दूसरा लगेगा। सिर्फ ये पार्ट फॉर्मूले का रहेगा, है ना, सिर्फ ये पार्ट रहेगा अगर ये क्वेश्चन डिनोमिनेटर में हुआ तो। इफ दिस क्वेश्चन वाज इन डिनोमिनेटर, तो हमने किया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, क्वेश्चन वाज लाइक दिस। अगर ऐसा होता डी एक्स अपॉन अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर, तब आपका सिर्फ ये पार्ट आंसर आता, ये भी नहीं आता, सिर्फ ये पार्ट आंसर आता। ठीक है, ये पार्ट आंसर आता आपका, ज्यादा भी नहीं आता, ये पार्ट आंसर आता। लेकिन अगर ये न्यूमरेटर में है तो आपको ये सारी बातें लिखनी होगी, और ये सारी बातें इसी तरीके से कर पाएंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पैटर्न लगा करके, और आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो पहले फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, और ये फॉर्मूला बेसिकली बच्चों को याद रहता नहीं है, मैं आपको बता दूं। इसलिए हमने याद रखने के लिए एक ट्रिक बताई जिससे आप याद रख सकते हैं और फॉर्मूला के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यूजुअली क्या होता है कि जब हम फॉर्मूला क्लास में बच्चों से पूछते हैं तो बच्चे क्या करते हैं कि इसका उसमें और उसका उसमें बता देते हैं, जिससे क्या होता है कि फॉर्मूला तो बताते हैं लेकिन गलत बताते हैं, और उससे जंबल्ड हो जाता है, कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है, और कंफ्यूजन की स्थिति होने की वजह से उनके आंसर्स भी गलत होते हैं और वो हमेशा इंटीग्रेशन में कंफ्यूज रहते हैं। तो आपको सेग्रीगेट करने आना चाहिए कि किस तरह से कौन सा फॉर्मूला होगा तो हम क्या करेंगे। आपको ये आइडिया होनी चाहिए कि अगर इंटीग्रेशन में ये डिनोमिनेटर में है कि न्यूमरेटर में है, प्लस रूट में है कि नहीं है, तो ये फॉर्मूला अच्छी तरह से आप याद करें। नौ स्पेशल इंटीग्रल में नौ फॉर्मूले हैं, नाइन फॉर्मूले हैं, तीन जब ये बिना रूट के हों, तीन जब ये डिनोमिनेटर में हों और रूट में हों, और जब न्यूमरेटर में हों और तीनों रूट में हों। तीनों में सेग्रीगेट करके आप अलग अलग तरीके से याद रखें। हमने कोशिश की है आपको बताने की कि तीनों को एक साथ कैसे याद रखेंगे और किस तरह से याद रखेंगे। आई होप आप इन फॉर्मूलों को याद कर लेंगे, और जब याद करके आइएगा तो अगली क्लास में हम इस पे और ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग एंड एंजॉय दिस इंटीग्रेशन। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बशर्ते आप बढ़िया से फॉर्मूला याद कर रखे हैं और बढ़िया से आपका कर रहे हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस।